हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक बिगनर्स के लिए रेसिपी लेके आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे को क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि उनको बहुत ही इजी रेसिपी चाहिए, और ख़ासकर ये रेसिपी वेजिटेरियंस के लिए है क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस का प्रोटीन एंड फैट वैसे भी पूरा हो जाता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस को चिकन से, मटन से, एग से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन एंड फैट मिल जाता है। तो आज की रेसिपी में हम वे प्रोटीन यूज़ करने वाले हैं। जनरली हम वे प्रोटीन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि घर का खाना ही आप खाएं, लेकिन थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी होती है, उनको थोड़ा सा और टेस्ट लेना होता है, उनकी क्रेविंग्स पूरी नहीं हो पाती, तो उनको हम कभी कभी वे प्रोटीन रिकमेंड कर देते हैं। तो वे प्रोटीन आपको यूज़ करना है, वे प्रोटीन आइसोलेट, कोई भी बढ़िया ब्रांड का आप वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वे प्रोटीन लेने का भी एक तरीका है। वैसे तो हम वे प्रोटीन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, अगर आपको लेना भी है तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ फैट के साथ कंबाइन करके ही हमेशा वे प्रोटीन लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, आप रिचा का लेक्चर ले चुके हैं, तो रिचा ने आपको पक्का बताया होगा कि जो आपका कंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन, वो नेचर में अपने आप ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा और हमेशा फैट के साथ ही मिलने वाला है। तो रिचा ने आपको होल एग्स के बारे में भी बताया होगा कि उसमें आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी मिलता है, और एग योक जो हम आपको रिकमेंड करते हैं उसमें आपको बहुत ही बढ़िया फैट्स भी मिलते हैं, और उन्हीं फैट्स के अंदर आपको मिलेगा विटामिन ए, डी, ई के। सिमिलरली अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रोटीन हमेशा फैट के साथ मिलने वाला है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन आपको फैट के साथ मिलने वाला है। तो ऐसे ही हमको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना है। तो अगर एक स्कूप में आपका 24 से 25 ग्राम वे प्रोटीन है, उतना ही आपको कोकोनट ऑयल भी मिलाना है। तो वे प्रोटीन की मैं और भी ज़्यादा रेसिपीज देने वाला हूँ आज। सबसे सिंपल और आपके पेट के लिए बहुत ही आरामदायक, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, वो रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट के लिए वे प्रोटीन यूज़ करना भी है तो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मंगा सकते हैं। मेरे पास कॉफ़ी वे प्रोटीन भी है, मैंगो वे प्रोटीन भी है, चॉकलेट वे प्रोटीन भी है, और इसका और फ्लेवर इनहेंस करना है तो आप थोड़ा सा कोकोवा पाउडर और कॉफ़ी और भी ऐड कर सकते हो। और साथ में अभी मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ दही के साथ। और अगर आपको वेनीला फ्लेवर पसंद है या फिर और कोई पसंद है, तो फिर कभी कभी इसमें आप सिनेमन पाउडर और इलायची भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं रेसिपी बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होती है और आपका पेट पूरी तरह से भर जाता है, तो जब आपको भूख लगे तभी आपको ये बनानी है। तो इसके लिए मैंने 400 ग्राम दही ली है, वो मैं अपने बाउल में डाल देता हूँ। तो दही आप घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। तो ये मैंने दही डाल दी है और मैं बनाने वाला हूँ चॉकलेट वे प्रोटीन। तो चॉकलेट वे प्रोटीन के लिए मैंने एक 400 ग्राम दही के पैकेट में एक स्कूप वे प्रोटीन डाल दिया। और अब मेको और रिचा को चॉकलेट थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं अब इसमें हाफ स्पून कोकोवा पाउडर भी डाल रहा हूँ। तो हाफ स्पून मैंने इसमें कोकोवा पाउडर भी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना आपको, हाफ स्पून के करीब ही डालना है। और साथ में आप कॉफ़ी भी डालिए, सारा टेस्टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि दही में कॉफ़ी कैसी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने आधी चम्मच इसमें कॉफ़ी भी डाल दी। अब बस आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा वे प्रोटीन बिल्कुल मिक्स हो गया है और इसमें मैंने एक स्कूप वे प्रोटीन डाला है। और आपकी मर्जी है, अगर आपको एक्स्ट्रा कोकोआ और कॉफ़ी डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अब मेरे वाले वे प्रोटीन में एक स्कूप में 25 से 26 ग्राम वे प्रोटीन है, तो उतना ही मैं इसमें कोकोनट ऑयल डालने वाला हूँ। तो 25 से 30 ml आपको इसमें कोकोनट ऑयल डालना है। तो आपके पास मेजरिंग स्कूप है तो उसमें आप 30 ml भर के इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो 5 से 6 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल इसमें डालना है, ठीक है। तो लगभग मैं इसमें 30 ml कोकोनट ऑयल मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब आप बस इसको अच्छे से घुमा लें।
और ये कोकोनट ऑयल इसके अंदर बिल्कुल घुल जाएगा और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। तो ये कोकोनट ऑयल इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया। अब साथ में ही अगर आपके पास ड्राइड बेरीज हैं, क्रैन बेरीज हो गई, ब्लू बेरीज हो गई या फिर फ्रेश बेरीज हो गई, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स की पिक्स आती हैं बेरीज के लिए, तो जितनी भी मैं पिक्स देखता हूँ, तो आपको अगर वो बेरीज खरीदनी भी है तो उसका पीछे न्यूट्रिशनल इन्फो प्लीज़ पढ़ के देखें, उसमें एडिड शुगर है या नहीं। तो जनरली पैकेट वाले में एडिड शुगर होता है और साथ में सनफ्लावर ऑयल या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल भी उन्होंने यूज़ किया होता है, वो बेरीज हमको यूज़ नहीं करनी। हमको अनस्वीटेंड बेरीज यूज़ करनी है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो पैक्ड हो या फिर ड्राइड हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास बेरीज नहीं है, मेरे पास हैं आलमंड्स। तो आलमंड्स और वॉलनट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं और पूरे दिन आपका पेट भरा रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप इसमें 10 से 12 आलमंड्स डाल सकते हैं और ये आलमंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और ये रेसिपी आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, या आपकी अगर बिल्कुल ठंडी दही थी या आपकी कर्ड बिल्कुल ठंडी थी, जितनी ये ठंडी होगी उतना ही आपको इस रेसिपी में मज़ा आने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी भूख पे काम करें, अपनी भूख को पहचानें और इस रेसिपी की मेरे को फ़ोटो खींच के भेजें और मैं अगली रेसिपी में आपसे मिलता हूँ।